आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी ध्यान साधना में लीन होने वाले हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक बाद वो यहां पहुंचेंगे और एक बार फिर केदारनाथ की तरह ही ध्यान साधना में मग्न हो जाएंगे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बंगाल के संदेश खाली में ईडी टीम पर हुए हमले से जुड़े केस में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर ली है। सीबीआई ने शाहजहां शेख और उसके भाई समेत 6 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है। बशीरहाट स्पेशल कोर्ट में इन सभी पर आपराधिक साजिश रचने और हत्या के प्रयास का आरोप लगा है। सीबीआई ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है उनमें शाहजहां शेख, उसके भाई शेख आलमगीर, सहयोगी जियाउद्दीन मोल्ला, मुफजूर मोल्ला और दीदार बख्श मोल्ला का नाम शामिल है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और 307 के तहत केस दर्ज हुआ है। संदेश खाली केस में आरोपी शाहजहां शेख पर शिकंजा कसा जा रहा है। शाहजहां शेख समेत 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। ईडी टीम पर हुए हमले से जुड़े इस केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने हत्या के प्रयास का भी आरोप लगाया है। रैनिक दत्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमले के सिलसिले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं रैनिक, और सीबीआई ने हत्या के प्रयास तक का आरोप लगा दिया है। क्या कार्रवाई हो रही है? एकदम देखिए, सीबीआई की तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो हमले का घटना संदेश खाली में हुआ था उस घटने में पहला चार्जशीट दाखिल किया गया है और सीबीआई के पास जो भी मामला है शेख शाहजहां के खिलाफ सबके पहले इसी मामले में चार्जशीट दाखिल किया है सीबीआई ने, और इसी मामले में शेख शाहजहां के साथ साथ और भी 5 यानी कुल मिलाकर 6 लोगों के नाम पे ये चार्जशीट दिया गया है। जैसे सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा था कि 5 जनवरी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला हुआ था शेख शाहजहां के घर में जब वो लोग छापामारी करने गए थे उसी टाइम में जो हमले का घटना किया गया था वो घटने के पीछे ये 6 आदमी का नाम है और शेख शाहजहां इसका मास्टरमाइंड था, और इसी वजह से ये पूरा घटना को लेकर जो चार्जशीट वो चार्जशीट सीबीआई की तरफ से बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। यानी यह संदेश खाली मामले में शेख शाहजहां को लेकर जिस तरीके से चर्चा चल रहा था और उसी मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो हमले का घटना जो घटना का पहला इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की तरफ से किया गया था उसी मामले में पहला सीबीआई ने हिरासत में लिया था ये शेख शाहजहां को, उसके बाद बहुत सारे अरेस्ट भी किया गया था सीबीआई की तरफ से। उसी मामले में आज बशीरहाट कोर्ट में कल सीबीआई की तरफ से ये चार्जशीट पेश किया गया है। यानी ये जो मामला पूरा मामले को लेकर पूरा जो बयान वो बयान चार्जशीट में दाखिल किया गया है, और चार्जशीट में ये भी बोला गया है कि शेख शाहजहां से अकेला नहीं, शेख शाहजहां के साथ ये भी 5 शामिल थे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो हमला का घटना घटा था ये पूरा प्री प्लान था, और इसी वजह से शेख शाहजहां और ये 5 एक साथ मिले हुए थे शेख शाहजहां के ऑर्डर के मुताबिक ही ये 5 काम किए थे, और उसके बाद शेख शाहजहां कौन से रास्ते से बाहर जाएगा, कौन से रास्ते से उनका मूवमेंट होगा, ये 55 दिन वो कहाँ रहेगा, ये पूरा चीज भी ये लोग देखे थे। यानी जो टोटल कॉन्स्पिरेसी, ये कॉन्स्पिरेसी का जो आईपीसी एक्ट है वो भी दिया गया है, और इसके साथ साथ शेख शाहजहां के खिलाफ और ये 5 के खिलाफ ये 6 आदमी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर केस भी अटेम्प्ट मर्डर केस जो है वो केस का भी चार्जशीट में दाखिल किया गया है। कुल मिला के ये जो 5 जनवरी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो हमले का घटना घटा था और इसी मामले में सीबीआई की जो जांच चल रहा था उसी चार्ज में पहला जो चार्जशीट वो पहला चार्जशीट दाखिल किया गया है। अभी देखना होगा कि इस केस में और कोई चार्जशीट दाखिल करता है कि नहीं सीबीआई, और बिल्कुल रैनिक गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, आगे और क्या कार्रवाई होगी इस पर नजर रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इन खबरों के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।